ओम शांति। आज का प्रश्न है, एक माता ने पूछा है कि ये ब्लैक मैजिक लोग क्यों करते हैं, इससे बचे कैसे और इसका निवारण क्या है। तो एक सच्ची घटना हम आपको सुनाते हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अंत तक सुनना। एक माता पर ऐसे ही किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो अपने सारे रिलेशंस जो जवाबदारियां है वो सारा भूल कर जिसने ये किया था सिर्फ वो जैसा बोलता है वैसा कर रही थी। बहुत परेशान थी, छूटना चाहती थी और समझ भी रही थी कि ये गलत है, परंतु उसमें से निकल नहीं पा रही थी। वो कैसे निकली हम अंत में सुनते हैं लास्ट में, परंतु पहले ये समझे कि मैजिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाइट मैजिक और दूसरा ब्लैक मैजिक। मैजिक अर्थात के चमत्कार, जादू, जो के सोचा नहीं गया था वो हो गया। वाइट मैजिक अर्थात के जो हम पवित्रता और योग बल के द्वारा जो नेगेटिव हिसाब किताब थे, चाहे शरीर की बीमारियों के रूप में, चाहे अन्य किसी संबंध के रूप में, तो जितना हम उस पवित्रता के सागर शिव बाबा को आत्मिक स्थिति में रह के आत्मा समझ के उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो नेगेटिव हिसाब किताब जो निकलते हैं वो जो मैजिक होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो नेगेटिव था वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है पॉजिटिविटी में, प्योरिटी में। तो ये है यथार्थ व्हाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक अर्थात कि व्यक्ति में ताकत नहीं है खुद को परिवर्तित करने की या शिव बाबा के साथ पूरा योग लगाने की, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, सक्सेस चाहिए, और ये सक्सेस बहुत फास्ट चाहिए। और जब यथार्थ रूप से वो उसको पूर्ण नहीं कर पाता तो वो कोई ना कोई अयथार्थ सहारा लेता है, खुद करता है या करवाता है। तो ये जो अयथार्थ रूप से सहारा लेते हैं व्यक्ति, वो सबसे पहली बात तो ज्ञान और योग में कमज़ोर है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है कि अभी मैं किसी को दुख दे रहा हूँ तो उसका मेरे साथ मल्टी मिलियन टाइम्स नेगेटिव हिसाब किताब बनेगा, और वो उसको दुख, दर्द, मानसिक पीड़ा तो देगा ही, परंतु शरीर में भी ऐसी बीमारियां, ऐसी व्याधि के रूप में पीड़ा देगा कि वो खुद सुख चैन की नींद नहीं सो सकता। परंतु फिर भी वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसकी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और उसको पीड़ा हो रही है तो वो पीड़ा भी सहन करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु उसको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अर्थात कि जो अंधा हो चुका है, समझ नहीं रहा है, कर्म की गुह्य गति को देख नहीं रहा है, और ज़बरदस्ती कोई चीज़ को ढालना चाहता है, कोई व्यक्ति को परवश या स्वयं के वश करना चाहता है, तो ये जो गलत तरीके से किया जाता है उसे कहेंगे हम ब्लैक मैजिक, अयथार्थ रूप में किया गया। तो क्यों करते हैं ये तो हमने समझा। करने के भी देखिए, सत्युग और त्रेता तो पवित्रता का युग था ना, वहाँ कोई ऐसी मैली विद्याएं नहीं होती थी। द्वापर युग के बाद में जब हिसाब किताब बढ़ने लगे और लोगों को सत्ता, सक्सेस, और हम जो बोल रहे हैं वो सही है और लोगों ने हमारा सुनना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए, चाहे रिश्तों के रूप में, चाहे शोहरत के रूप में, चाहे पद के रूप में, तो ये जो गलत तरीके से ऐंठने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए गए द्वापर से, वो ब्लैक मैजिक कहलाने लगा। अभी इससे बचे कैसे? तो बचने का एक सरल उपाय है कि हम अपने पवित्रता के ऑरा को बढ़ाते चले रोज योग में। हमारा अमृत वेला और नुमा शाम तो अच्छा और पावरफुल हो ही, परंतु बीच बीच में बाबा के साथ में ऐसे कंबाइंड अपने आप को महसूस करें, हर कार्य करते, सेवा करते, ज्ञान सुनाते, पुरुषार्थ करते, चलते फिरते, भोजन करते, बाबा को इतना कंबाइंड अपने साथ में अनुभव करें। क्यों? क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होगा। तो कोई हमारे ऊपर कितना भी अपवित्र रूप से ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, परंतु जब पवित्रता के सागर के साथ में मैं कंबाइन हूँ
तो वो मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, एक सेकेंड भी मैं उससे डिटैच हो गई या कंबाइंड से अकम्बाइंड हो गई तो वहां पे वो अटैक कर लेगा। इसलिए जितना हो सके ना, बाबा की याद में सोए, बाबा की याद में उठे, सब संबंध बाप से जोड़ के रखे। तो जितना बाप में लवलीन रहेंगे ना, तो कोई कितना भी पावर लगाए वो उसको ही नेगेटिव एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होगी, उसकी हमें इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अभी इससे बचे कैसे, ये तो देखा, परंतु बचा है कैसे, है ना। कई जो माता का अनुभव सुना रहे थे, वो माता बहुत तकलीफ में थी, है ना। उसके परिवार वाले भी बहुत तकलीफ में थे, सब समझ रहे थे कि ये तो पहले ऐसी थी ही नहीं, पर ये जिसने किया है वो भी समझ रहे थे कि ये हमें नेगेटिव एनर्जी दे रही है। तो कैसे उससे हम स्वयं को या किसी को बचाएं? तो सबसे पहली बात, जितना बाप की याद में उस आत्मा, क्योंकि जो परवश हो जाता है ना, वो योग करने की उसमें ताकत भी नहीं रहती है, बैठेगा भी याद करने के लिए, परंतु वही बातें खींचेंगी जैसा वो खींच रहा है सामने वाला। तो इसके लिए संगठन में हम उस व्यक्ति को विशेष योगदान दें और यही अनुभव करें कि बाप दादा से पवित्रता की किरणें उस परवश आत्मा पर भी पड़ रही है और सारी नेगेटिविटी, बैड एनर्जी और नेगेटिव लेयर्स बिल्कुल ब्लैकिश रंग के उसके सूक्ष्म शरीर से नीचे उतरते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं योग के पावर के द्वारा। और जैसे जैसे ये ब्लैक लेयर्स नेगेटिविटी के निकलते जा रहे हैं, वो आत्मा प्योर, पवित्र और मुक्त होते जा रही है। ये हमें अभ्यास विशेष संगठन में ऐसी आत्माओं के लिए देना बहुत आवश्यक है। दूसरी मुख्य बात आती है कि ये लोग ऐसा आखिर क्यों करते हैं, जब समझ रहे हैं कि इससे उनको भी तकलीफ होगी, दूसरों को भी तकलीफ होगी, पर ये लोगों में ज्ञान की गहराई नहीं होती ना। भले थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं कि तकलीफ हो रही है उनको, परंतु सक्सेस एट एनी कॉस्ट, ये उन्होंने फॉर्मूला बना लिया होता है लाइफ का। तो हमको उनको दोष देने की बजाय समझे कि ये भी परवश है, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए गलत तरीका अपना रहा है, तो हम उसको बाबा की प्योर एनर्जी ही दे, जो भी आत्मा हो, कि बाबा इसको भी सद्बुद्धि दो, इसका भी कल्याण करो कि ये सब नेगेटिविटी से छूट जाए। परंतु सबसे ज्यादा एनर्जी तो हमें जो आत्मा तकलीफ में है ना, उसको देनी है। जो जैसा कर रहा है, हमें उसके इसमें पढ़ना नहीं है, ना ही हमें किसी को कंप्लेन करने की आवश्यकता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसका वो पार्ट है ना, और वो उसकी सजा भुगतेगा, है ना। आज नहीं तो कल उसको बहुत उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, और वो भुगत भी रहा होगा अंदर ही अंदर, क्योंकि ऐसे लोगों बाहर से भले ही कितना भी मुस्कुरा रहे हो, खुश दिख रहे हो, इनके पास धन बहुत दिख रहा हो, या जैसा चाहे वैसा कर पा रहे हो, शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत कुछ उपलब्धि कर ली हो, बड़े बड़े मकान बना लिए हो, बहुत सारा कार्य कर रहे हो, परंतु अंदर से ये आत्माओं को कभी भी बाप की दुआएं और अन्य साथियों की, अन्य परिवार की दुआ नहीं मिल सकती। बहुत बहुत नेगेटिव बद्दुआ के खाते ले लेते हैं ये। इसके लिए हम इनके बारे में ना ही सोचे ना तो अच्छा है। भगवान उनको देख रहा है, भगवान उनके लिए जिम्मेवार होगा क्या कैसे करना है। हम सिर्फ ये सोचे कि जो हमारे परिवार में या हमारे स्नेह संबंध में जो आत्माएं इसके वश है, बस वो इस परवशता से मुक्त हो जाए, बाबा की प्योरिटी की किरणें इनको मिलती रहे और ये एकदम प्योर और सरल हो जाए। तो ऐसे बार बार इनको हम योगाभ्यास दें और पॉजिटिव रहे। जो माता के लिए हम बात कर रहे थे, उसके लिए भी इतना अच्छा योगदान दिया, वो खुद भी इतना, फिर थोड़ा सा उसको योगदान दिया ना, फिर धीरे धीरे वो योग को पकड़ने लगी, और फिर वो योग की इतनी गहराई में चले गई कि बस मैं और बाबा, ये एकदम पक्का हो गया। तो खुद तो उस परवशता से मुक्त हो गई, वो वहां जाती भी अभी समझ चुकी थी ना वो कि नहीं, ये मुझे परवश कर रहे थे, तो खुद भी मुक्त हो गई और अपने परिवार को भी उस स्थान से उसने दूर कर लिया। तो हम भी इसे समझे,
कि जितना हमारा योग पक्का होगा ना, अगर योग पक्का नहीं होगा तो हम परख भी नहीं पाएंगे कि कौन गलत है। ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे होंगे व्यक्ति, ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे होंगे, परंतु अंदर से मन में खोट है। ये तभी समझ में आता है जब हमारा योग पक्का हो। योग पक्का नहीं होगा तो हम उस परवश स्थिति में और परवश हो जाएंगे और बहते जाएंगे, परंतु सुख महसूस होगा ऊपर से, परंतु अंदर से सुख और शांति की फीलिंग नहीं आएंगी। ऊपर से तो लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो जितना योग में रहेंगे ना, तो हम परख सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, और इन सब बातों से स्वयं भी बच सकेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे। और विशेष हमारा प्योरिटी का, पवित्रता का ऑरा हमारा तो इतना बढ़े ही, हम योग बार बार कंबाइंड रहेंगे बाबा से तो प्योरिटी का वाइट ऑरा तो बढ़ता ही जाएगा। परंतु ये अनुभव करें कि अमृत वेला और नुमा शाम विशेष हम जहाँ रहते हैं उस स्थान को भी इस प्योर वाइट ऑरा से संपन्न कर रहे हैं, तो पूरी नेगेटिव एनर्जी यहाँ से डिलीट हो गई और कोई भी वेस्ट एनर्जी भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इतना अपने आप को हम तेजस्वी और बाप के प्यार से मजबूत बना दे, तो जहाँ भगवान की छत्र छाया महसूस होगी ना, भगवान खुद छत्र छाया बनकर मौजूद होगा, तो फिर महसूस होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे टच भी नहीं कर सकती, न इस परिवार को, ना ही इस स्थान को, ना ही हमको। तो इतना स्वयं को बाप की याद में पावरफुल बना दें हम। अच्छा, ओम शांति।